नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर कानपुर से। बहुत सारे पेशेंट्स के फोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम अचानक से घबराहट शुरू हो जाती है और एंजाइटी है। आई कैन अंडरस्टैंड, इस समय में जो कोरोना का स्केयर चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, सब लोग यही बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में भी यही सारी बातें कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किन स्टेप्स को लें कि जिससे इस एंजाइटी को हम दूर रख सकें। जो भी हमारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एंजाइटी से दूर रहे, और जिनको अभी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, जिनको हम लोगों ने दवाइयां भी दी हैं लेकिन कुछ वजह से उनके ऑपरेशंस नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना स्केयर की वजह से हमें भीड़ कम रखनी है स्टाफ में, हॉस्पिटल में, तो इसलिए इन बातों को ध्यान से समझें। और ये दो चार छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका हम सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने सोने और जागने के समय को निर्धारित करें, स्लीप टाइम इम्पॉर्टेंट है। बच्चों का स्कूल नहीं है, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, दैट डजंट मीन कि आप सुबह 10 या 11 बजे तक सो के उठें। अपनी एक डायर्नल रिदम जो है उसको फॉलो करें, 6 से 7 घंटे की स्लीप इनफ है, इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। नंबर दो, सुबह उठकर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। प्रेग्नेंट लेडीज को जो हम लोगों ने एक्सरसाइज का शेड्यूल दिया है वो अपने हिसाब से उन एक्सरसाइज को फॉलो करें। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर से व्हाट्सएप करें। और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है वो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से जरूर कुछ ना कुछ 15 से 20 मिनट से आधे घंटे की एक्सरसाइजेस करें। उसके बारे में जो गाइडेंस चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डाइट। घर में रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार देखते हैं, कुछ ना कुछ मंचिंग चलती रहती है। तो अगेन घर की महिला का अभी यह काम है कि सबको साथ में लेकर यह डिसाइड करेंगे कि मंचिंग में हमें क्या लेना है। कोशिश कीजिए कि जो सैलड्स है, कुकुम्बर है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, स्प्राउट्स है, इनका सैलड्स वगैरह बनाकर ले, दूध, छाछ, दही, इन सब चीजों का प्रयोग करें। कोशिश करें कि ज्यादा भारी चीजें ना खाएं, स्पेशली रात में 8 बजे के बाद, और हो सके तो एक मील को स्किप कर दें। ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हैं थोड़ा देर से खाना खाके, और रात में शाम को 6 या 7 बजे खाना खाने के बाद कोशिश करें कि कुछ भी ना खाएं। अगर थोड़े बहुत कहीं वॉक की जगह हो, कहीं टहलने की जगह हो, तो कोशिश करिए कि शाम के डिनर के बाद अपने घर के अंदर ही बालकनी में या छत पे वॉक करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस समय जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है वो टीवी पे न्यूज देखकर, व्हाट्सएप पे न्यूज देखकर, इंफॉर्मेशन देखकर, सभी चीजों पे इतना ज्यादा स्केयर, डेथ, लाशें, मौत, रात बिरात हम लोग यही सोचते रहते हैं जो दिमाग में चलता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, मैनिया, पैनिक सिचुएशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो अपने सोशल मीडिया के टाइम को एकदम कट ऑफ कर दें। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, या अचानक से घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, सोते जागते सपने अच्छे नहीं आते हैं, दिक्कत महसूस हो रही है, तो कृपया करके अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर दें थोड़े दिन के लिए। और अगर देखना है तो अच्छा लाइट म्यूजिक सुने, अच्छा म्यूजिक सुने, बच्चों के साथ गेम्स खेलें, हस्बैंड के साथ अच्छा सा समय व्यतीत करें, घर के सभी मेंबर्स कूल होके कोई बोर्ड गेम खेल सकते हैं, पॉजिटिव टॉक्स करें। जरूरत नहीं है हमेशा सुबह से लेकर रात तक कोरोना को डिस्कस करने की। आई थिंक ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम सबको हेल्प करेंगी। एंड इम्पॉर्टेंट है कि जो खुशी आती है वो सब कुछ पाने से नहीं आती है। तो अगर इस समय जो हमारे लोअर तबके के जो लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है उनको आप मदद करेंगे तो विश्वास कीजिए आपकी सारी एंग्जाइटी, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सिलाई करती हैं तो आप मास्क बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपने बचे हुए किसी कॉटन के कपड़े से, बची हुई कॉटन की चादर से आप मास्क बनाइए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, देखिए कितनी खुशी होती है। अगर आप गृहिणी हैं, खाना अच्छा बनाती हैं, पूड़ी आलू की सब्जी बनाइए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बहुत सारे आप तो नगर निगम ने भी ऐसे आउटलेट्स खोले हैं जहां पर आप लोगों की मदद कर सकती हैं। डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, 24 आवर्स दे आर वर्किंग, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर काम कर रहे हैं। आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से। जो लोअर तबके के लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, आप उनको खाना पहुंचा सकते हैं। कुछ अगर नहीं भी कर सकते हैं, किसी को आटा, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, दूध, दही देकर भी आप लोगों को ऑब्लाइज कर सकते हैं।
देखिए करके ये दूसरों के लिए नहीं करना है, आपको अपने आप को खुश रखने के लिए करना है, इतना बस बहुत है। बाकी ईश्वर, नवरात्रि चल रहे हैं, ईश्वर को ध्यान कीजिए। थैंक यू।